भी लेता हूं इसको, हो सकता है वहां वो कहते हो कि मैं 3 या 4 खेलूंगा, आशीष कहते हो ठीक है, हो सकता है यहां पे इन्होंने कहा होगा कि मैं 4 तो नहीं कहा होगा, मैं 5 खेलता हूं, उन्होंने कहा नहीं हमारा बैटिंग ऑर्डर सेट है, कप्तान को कहा होगा, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, हू इज टेकिंग द डिसीजन, डू यू थिंक ही हिमसेल्फ वुड वांट टू बैट एट नंबर 7, कौन, आई डोंट थिंक सो, हार्दिक, आई डोंट थिंक सो, ही वुड हैव वांटेड, ही वुड हैव बैट हिमसेल्फ कि मैं मैच जिताऊंगा आज, मैच जीतना ही जीतना है, हालांकि देखो मैच वो जीते ही हुए थे, मैच तो दूर दूर तक 31 बॉल में 40 रन कुछ भी नहीं होते यार, 6-7 विकेट हाथ में हो, नो चांस ही नहीं था कि आप मैच हार जाते, और दूसरी बात है यार कि क्या उनका डगआउट जो है वो रिएक्टिव डगआउट था, वो प्रोएक्टिव नहीं था, इनफैक्ट मैं तो कहूंगा रिएक्टिव भी नहीं था, T20 में अगर आप रिएक्टिव भी हैं तो भी कोई बुरा नहीं है, 2 डॉट बॉल होती है या आपको होता है महसूस होता है, मैसेज जाता है, पानी जाता है, ये जाता है, वो जाता है, अब प्लेयर को बुलाने का भी आपके पास एक ऑप्शन रहता है, मुझे ये लगा मुंबई इंडियंस का डगआउट ब्रीफ लिटिल टाइम 12-15 मिनट 14 मिनट सो गया, एंड उसके बाद डिपेंड, मैं लास्ट ओवर में आप लास्ट 2 में कितने थे, 27 या नहीं 27 थे, नहीं 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 27 तो थे, आप उन्होंने छक्का मारा, आई थिंक 36 रन थे शायद 3 ओवर में, 27 मैं इस चीज को ना, मुझे देखो मुंबई इंडियंस के साथ एक चीज एसोसिएट की जाती है कि वो ना हार नहीं मानते हैं, आप देखो उन्होंने कैसे सिचुएशन से, मतलब इन पिछले 10 सालों में 2013 से, अगर मैं 13 से भी शुरू करता हूं, पिछले 10-12 साल में उन्होंने कैसे मैचेस जीते हैं, उन्होंने कैसे टूर्नामेंट्स जीते हैं, ये लंबा सीजन है, अभी शुरू ही हुआ है, पहला मैच खेला है, बट आज ना मुंबई इंडियंस ने उस डगआउट ने, उन खिलाड़ियों ने जो मैदान पर आए भी, स्पेशली मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर जो लोग आए भी, उन्होंने ना वो एक वल्नरेबिलिटी दिखाई है अपने अपनी सोच में, क्योंकि मुंबई इंडियंस का वो था कि यार हम तो कोई भी मैच जीत सकते हैं, हम कैसे भी जीत सकते हैं, कहीं से भी जीत सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो बल्लेबाज हैं, हमारे पास जो एक्सपीरियंस है और हमारे पास जो मशीनरी है, तो मुंबई इंडियंस का तो देखो ये कहा जाता था उनका मतलब इंजन रूम जो है वो मिडिल ऑर्डर था, आज हारे कैसे, वही देख लो ना सूर्य कुमार यादव मिडिल ऑर्डर की वजह से हारे और इस मिडिल ऑर्डर की क्या हालत हो गई, तो सूर्य कुमार यादव का मुंबई इंडियंस की बैटिंग पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट, अगर आप मुंबई इंडियंस की बैटिंग देखो ना, आप इस दोनों तरफ से देखते हो, ईशान किशन विदाउट क्रिकेट आए हैं, वो यार डीवाई पाटिल को प्लीज काउंट मत करो, 4-5 बॉलों में दिख रहा था, रोहित शर्मा अगेन T20 पिछले 4-5 साल उनके अच्छे नहीं थे, 3 नंबर कौन खेला, ब्रेविस आया आज, यंगस्टर नमनधीर, सॉरी नमनधीर यंगस्टर, 4 नंबर कौन खेला, ब्रेविस यंगस्टर, 5 नंबर कौन खेला, यंगस्टर, 6 नंबर कौन खेला, डेविड भेजे गए अभी अभी आए, सो इतनी इंटिमिडेशन जो है इज ऑन अ डे व्हेन एवरीथिंग क्लिक्स, अदरवाइज कहा आप बाकी टीमों का बैटिंग ऑर्डर उठा लें, सो इंटिमिडेशन बन रही थी, अगर हार्दिक पांड्या 5 नंबर पे बैटिंग करते या सूर्य कुमार यादव भी इस टीम में होते, चलो सूर्य नहीं है अभी, मुंबई का एक बात है, मुंबई पहला मैच हार के दे कैन कम बैक, तो करते आए 2020 के बाद से वो टूर्नामेंट जीते भी नहीं है, 21-22-23 3 साल हो भी गए हैं, पिछले 2 साल भी ऐसे निकल गए, पता है कभी हार नहीं, पता है क्या होता है, द मैनर इन विच यू लूज, आप जिस तरीके से मैच हारे हो आप जीता, ये मुंबई का डीएनए, मतलब मुंबई इंडियंस के डीएनए में हमने ये नहीं देखा कि मतलब आप मैच जीत चुके हो, मतलब ये नहीं बोल रहा हूं जीत रहे हो, आप मैच जीत चुके हो, आज आप हार गए मैच, राहुल ये दिखाने के लिए अपने आप को, दुनिया को नहीं, अपने ड्रेसिंग रूम में कि सब कुछ ठीक है, हम भाई हैं, देखिए क्या होता है, देयर इज जो एक टेंशन सिमरिंग होती है, हम यहाँ पे 5 लोग बैठे हैं, हो सकता है कभी कभी हमारे सबके साथ भी होता है ना कि उसकी उससे आजकल नहीं बन रही, उसकी उससे अनबन चल रही है, या यू नो देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप, अब यू कैन मेक आउट बाहर से कि यार इस डगआउट में कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो रही, फिर अपने को बताने के लिए बहुत जरूरी है, 5-6 लोगों के बीच, क्राउड शायद नहीं, फैंस नहीं, आपस में कि नहीं यार सब ठीक है, आई थिंक मोर देन दुनिया को दिखाना, मुंबई इंडियंस को ये जीत 2 पॉइंट चलो वो सब तोड़ो, अपने आप को बताना, जैसे वो रोहित के पास जा रहे थे और फिर अब लोगों ने वायरल कर दिया एक पीछे जाओ वो वाला विजुअल, सो उनको ये जीत अपने अपने उसको और वो करने के लिए चाहिए थी, आई एम सॉरी बट जो मर्जी कहें आप,
हार्दिक ने आके छक्का मारा, एक चौका भी मारा, चार बॉलें खेले वो, उनका एफर्ट बुरा नहीं था। वो कंप्यूटर तो है नहीं कि 19 रन चाहिए लास्ट बॉल में, मैं तो बना ही दूंगा, नहीं है कंप्यूटर यार वो। उन्होंने छह बड़ा जबरदस्त मारा, चार बड़ा जबरदस्त मारा और फंस गए, मैच हार गए। बट होगा क्या कि अभी बाद में भी आपने देखा, चार पांच लोग एक तरफ बैठे हुए थे, दो तीन लोग एक तरफ थे, वो मैटर करता है कभी कभी। उनको जीत इसलिए चाहिए थी, आई डोंट थिंक मुंबई इंडियंस को दो पॉइंट, ठीक है हो सकता है बाद में फर्क पड़े ना पड़े, उनको इसलिए बिकॉज अब गेम वन से गेम टू भी जाना है इन्होंने विद दीज क्वेश्चंस इन माइंड। सही बात है, आई थिंक हार्दिक के लिए ना, हार्दिक के लिए जीत ज्यादा मायने रखती थी क्योंकि मुंबई का ठीक है, मतलब आप गुजरात क्योंकि उस टीम से जिस हिसाब से क्राउड ने आपको रिस्पॉन्स दिया हार्दिक के लिए, आप देखो माने या ना माने, आपको भी पता है मैं भी अगर हार्दिक की सिचुएशन में होता है, आप में से कोई भी होता, आई थिंक ये नॉर्मल मैच हार्दिक पांड्या के लिए तो नहीं था, कोई अगर वो बोले या ना बोले, आई थिंक मन में अंदर से ये होता है। और बहुत सारी चीजें जो आपने बोली ना आफ्टर द मैच, आई थिंक कोई कहने को ये भी बोल सकता है कि यार यू आर रीडिंग टू मच इनटू इट, हमने देखा कि यार वहां पे रोहित बैठे हुए थे, तिलक वर्मा वहां पे बैठे हुए थे, जसप्रीत बुमराह थे और कोई एक प्लेयर भी था, और दूसरी तरफ हमने देखा मैदान पर ईशान किशन और हार्दिक पांड्या काफी देर साथी थे, वो शुभमन गिल से भी बात कर रहे थे, हालांकि दोनों तरफ खुशियां ही थी, बस रोहित शर्मा थोड़ा सर पकड़ के बैठे हुए थे, बाकी उधर सब खुशी थे। तो आई थिंक दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू पोर्ट्रे कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, बट नॉर्मल जो होता है वो जीत के साथ होता है। और बहुत सारी चीजें ना आप ऑप्टिक्स क्लिक करते हैं ये, क्योंकि आपको पता है आप कैमरे एग्जैक्टली, और ठीक है जीत अगर दे देते आई थिंक सिचुएशन जो है वो जीत से बेहतर ग्लू ना टीम को। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब, जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।